बड़ी अच्छी गाड़ियाँ दिखी तो सोचा आपको भी एक बार ये हम दिखाई देते हैं एक साथ, जो कार्स के शौकीन है उनको अच्छी लगेगी। हाँ, और हमारी फ्लाइट वैसे 25 मिनट डिले हो गई और फाइनली हमने सड़क क्रॉस कर ली थी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। कैसा लग रहा है? बहुत सही। मैं ऐसे बोल रही हूँ, मैडम कैसा लग रहा है? बहुत सही मैडम। अगर आसपास का भी व्यू देखना हो तो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। बिल्डिंग्स बेसिकली ये सब होटल हैं। होटल के साथ साथ आपको मार्केट भी मिलेगी। और ये साथ में भी एक होटल है और ज़्यादातर यस इट्स इन्फिनिटी पूल। और सबसे अच्छा व्यू है आगे का, इस पूल के ही साथ देखिए आगे बीच है, दैट इज़ ऑसम। एक फीलिंग ही बहुत अच्छी आती है जब ऐसा कुछ। अब कोई गाना गाओ, गाना सुना दो कोई। वाह 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 वाह। लेकिन मेरे जैसे नहीं। बिल्कुल, जो पूल में तो घुस जाते हैं लेकिन उनको स्विमिंग नहीं आती। सबसे पहले आप सबको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो बाकी हमने चेकआउट कर लिया यहाँ पर और अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 8:45 और होटल काफ़ी अच्छा था और ऊपर पूल था, है ना, और सही रहा सब। बाकी रिसेप्शन के ऊपर मतलब हम आ चुके हैं और अभी हमने निकलना है अपने एयरपोर्ट के लिए और काफ़ी लेट हो चुके हैं हम। बाकी देखते हैं, जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे, हमारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। एयरपोर्ट पर बड़ी भागते भागते पहुंचे जैसे आपको बताया था। हाँ, और हमारी फ्लाइट वैसे 25 मिनट डिले हो गई है और वो यूजुअल ही है यहाँ पे डोमेस्टिक फ्लाइट्स में। यहाँ पे डिले आज तक जब भी हम गए हैं हुआ ही है। हाँ, यहाँ तो गेट चेंज होते रहते हैं, यहाँ तो डिले होते रहते हैं। और दूसरी बात ये कि अपना जो कैब वाला बंदा था वो बहुत अच्छा था, उसने हमें पहले जब पहुंचाया एयरपोर्ट पे तो उसने पहले पूछा इंटरनेशनल की डोमेस्टिक है। डोमेस्टिक दूसरी जगह पर था मैप में, पता नहीं क्यों हमारे जो ग्रैब की थी उसने इंटरनेशनल का लोकेशन उठा लिया था। तो फिर वो दोबारा से उसने हमें बिठाया विदाउट एनी चार्ज, कुछ नहीं बोला कि दूसरी जगह लेके जाना है, बिठाया साथ में ही हमें वहाँ पर छोड़ गया। तो अच्छा था सब, लोग अच्छे थे। बाकी चलो फ्लाइट का वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में फ्लाइट आ जाती है तो चलते हैं, दोबारा से मिलते हैं हो ची मिन्ह सिटी में। और हम पहुंच गए हैं इस टाइम पर अपनी मार्केट में, जो डिस्ट्रिक्ट वन में अपना आ जाएगा, जहां पर सारे सारे हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। और बुईवेन स्ट्रीट करके नाम से मतलब जानी जाती है, जो बियर मार्केट या स्ट्रीट वॉकिंग स्ट्रीट मार्केट जिसे बोला जाता है, हम वहाँ पर आ गए हैं। अभी डे टाइम है तो यहाँ इतनी चहल पहल नहीं है, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा क्राउडी एरिया रहता है और यहाँ पे क्राउड इकट्ठा हुआ रहता है, शोर शराबा और बहुत ज़्यादा रौनक। चलते चलते हम कुछ यहाँ आ गए, बड़ी अच्छी गाड़ियाँ दिखी तो सोचा आपको भी एक बार ये हम दिखाई देते हैं एक साथ, जो कार्स के शौकीन हैं उनको अच्छी लगेगी। और फाइनली चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, जो बेंतहा मार्केट, जो भी बेंतहा मार्केट बे इंतहा हम पहुंच गए हैं। तो अंदर चलते हैं अगर गाड़ियां हमें इजाज़त दें जाने के लिए तो, नहीं तो मैं अभी इस उम्र में गाड़ियों के नीचे कुचला जाके मरना नहीं चाहता।
बड़ा ज़्यादा क्राउड रहता है यार। और फाइनली हमने सड़क क्रॉस कर ली, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र। हम सबसे पहले एंटर करते ही हमारे पास में वॉच की शॉप आ गई। चलेंगे सारी मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। सेकंड न्यू थी, फर्स्ट होती है। हेलो, श्योर श्योर लेटर। हाँ ना क्यों करनी है किसी को, मेक सूट इन वन डे बेस्ट प्राइस। एक दिन में कह रही है सिला भी लो हमसे, बेस्ट प्राइस देंगे। How much for this? 850 or 100? 150? No, 800. 850. Wow. अरे वो। So how much you want? 100 okay. आई ना? हाँ 500 भी आ गई। 100 550 बोलती। How much you want? Okay. 500 बोलो 100 बोलो। पहले बोलती 850. अब पीछे से बोल रही है 550। शूज का देखूं, हाउ मच फॉर दिस? $75 नॉट इन डॉलर्स, उडोंग। 1,800,000 1,000,000 800,000 ओके, नो ओके। हाउ मच यू वांट टू बाय? सो एक्सपेंसिव। तो ये पसंद नहीं था, किसी और दुकान से देखूँगा। और कोई वैरायटी नहीं दिखी। वो कह रही है 180। वो कह रही है 10 लाख रुपया वियतनामीज डॉन्ग। 1,000,000 हाँ वही है। इसका प्राइस यहाँ पर ना बहुत ऊपर रहेगा, आपको बार्गेन करना है यहाँ पर बस, क्योंकि ये सब अंग्रेज वगैरह के हिसाब से ना डॉलर पे ही आई थी। पहले डोंग डोंग होता था डनांग वगैरह जगहों पर, इसका देखो ना पता लग जाएगा अभी। हेलो हेलो, हाउ मच फॉर दिस? 250। नो, हाउ मच? नो नो नो, 100। नो, 100। अब देखा ना 250 से 100 पे आया। जूस पीना है? जूस देख लो कौन कौन से हैं। स्ट्रॉबेरी पाइन मैंगो है। My price yes, for this is $100, yeah. No plastic, sir. I know. Can you try to help me? This is the price. No, nobody can save for you. This yeah, $100, no plastic. Okay, sorry. I give you this price. You want to buy or not? My last price, this Vietnam dong. No, sorry. ये देखो। हाँ। बिल्ली को डरा दिया बिल्ली ने। आ गए हम चलते चलते मनी एक्सचेंज करवाने के लिए, देखते हैं क्या प्राइस देते हैं हमको ये एक्सचेंज का। हेलो, हाउ मच फॉर $100? $23.90। हमें प्राइस जो दिया जा रहा है वो दे रहा है 23
23,90,000. Hello. Xin chào. Thank you so much. Okay, bye. बड़ा प्यारा सा बच्चा मिला हमको, और जो हमें प्राइज मिला वो मिला कुछ इस तरीके का, जो कि हमें मिला $100 का, 23,90,000. 23 लाख में हमारी अपनी गाड़ी आ जाती वैसे. हेलो, थैंक यू. पता कितना मिला? हम लखपति फिर बन गए. 23,90,000. 23,90,000. हाँ, दो तीन गाड़ियाँ खरीद ले, क्या बोलते हो? टाटा की पंच वगैरह तो दो तीन तो आई जाएंगी. हम कुछ इस तरीके से चल पड़े हैं. This is रिक्शा, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये लोग ऐसे बिठाएंगे हमें, बट ठीक है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है. ओपन में हवा खाते खाते हम लोग जा रहे हैं इतनी गर्मी में. तो चलो मिलते हैं पहुंचने के बाद अपनी डेस्टिनेशन पे, रिक्शा की सवारी के बाद. चलते चलते आ गए हम वॉकिंग सीट पे दोबारा, और अभी मार्केट जो है वो लगने लग गई है फिलहाल. अभी वो वाली जो तपिश होती है, जो रौनक होती है, ढिचक ढिचक होता है, वो ढिचक ढिचक जो है वो अभी होना है. वो अभी 10 बजे के बाद से प्रोबेबली स्टार्ट हो जाता है, बट अभी धीरे धीरे मार्केट स्टार्ट होगी. अंग्रेज आना, यूरोपियंस आना, और यहाँ के लोकल लोग आना स्टार्ट करते हैं. इंडियंस आ जाते हैं, काफ़ी सारे इंडियंस हमें आज भी मिल गए हैं. तो जब मार्केट की थोड़ी सी रौनक बढ़ती है तब भी आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे. चलो मिलते हैं आपको जल्दी, आपको नेक्स्ट एपिसोड में.